यानी कि आप 1 लाख क्या अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा भी कमाएंगे। यस दैट्स ट्रू। अब उनसे पीछे जाकर जो वक्त के हिसाब से लोग अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं। देखो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ करके आप इसको करें, टाइम पास मत करो। सिंगल सैलरी से सिर्फ आपकी बेसिक जरूरतें ही पूरी होंगे, इंटरेस्ट नहीं आ रहा वो स्किल मत गेन कीजिएगा, वरना जिंदगी भर फ्रस्ट्रेशन रहेगी आपको। सरकारी नौकरी तैयारी करो 2 साल 3 साल, ये नहीं कि आप पूरी जिंदगी लगा दें उसमें। नहीं, लाइफ एक बार मिली है, उसे ऐसी वेस्ट नहीं करना सरकारी नौकरी की तैयारी में। यस गाइस, तो आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा कि महीने का 1 लाख क्या अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा भी कमाएंगे। यस दैट्स ट्रू। मैं बताता हूँ कैसे। देखो गाइस, जो वक्त की डिमांड को नहीं समझता, जो वक्त के अकॉर्डिंग नहीं चलता, जो सिर्फ अपने धुन में चलता रहेगा कि यार जो चलता आ रहा है वो उसको फॉलो करते रहोगे गाइज, तो आप उनसे पीछे जाओगे जो वक्त के हिसाब से लोग अपने अंदर चेंजेस लेके आते हैं। देखो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ करके आप इसको करें, नहीं, पढ़ाई के साथ साथ ही आपको करना है। दिन में 2 से 3 घंटा अपने स्किल को देना है। देखो स्किल कौन सी होनी चाहिए, आप मार्केट देखिए गाइज, मार्केट में डिमांड क्या है, क्या चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, सबकी डिमांड को फुलफिल करेंगे देन आप बहुत पैसा कमाएंगे गाइज। स्किल ऐसी चूज करो जो डिमांड ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिसेंट टाइम देखेंगे तो कोडिंग इज़ काफ़ी ट्रेंडिंग है इस वक्त, बिजनेस एनालिस्ट कोर्स काफ़ी हो गए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, या सिंगिंग का अगर पैसन है उसको फॉलो करते हैं, उसमें भी अच्छा रिटर्न मिलता है गाइस। अगर आप अच्छा, देखो उसमें आपको परफेक्ट होना है, और एक स्किल मत कीजिए गेन, जब भी टाइम मिलता है एक स्किल पूरी हुई देन सेकेंड स्किल। देखो एक स्किल गेन करने में 2 से 3 महीने ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको, और आपके पास स्किल इतनी सारी हो जाएंगे। देखो अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी ना, तो अपने स्किल के बलबूते पे आप 1 या 2 लाख या जितनी आपकी कैपेसिटी होगी आप उतने कमाएंगे गाइज। अगर अभी आपकी एज कम है ना गाइज, अगर अभी आप स्कूल में स्कूलिंग कर रहे हैं या अभी कॉलेज लाइफ में, तो आपके पास बहुत टाइम है, उस टाइम को वेस्ट ना करें फालतू की वीडियो देखने में, इंस्टा चलाने में या फिर सोशल मीडिया में। गेनिंग करो यार, स्किल गेन करो जो आपके रिटर्न दे फ्यूचर में, टाइम पास मत करो। और स्किल को आपको बहुत अच्छे सीखना है ताकि फ्यूचर में आप काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले। देखो सिंगल सैलरी से सिर्फ आपकी बेसिक ज़रूरतें ही पूरी होंगी, अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ पाना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखना पड़ेगा। अगर आप अभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप को सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो आपके पास एक दूसरा कार्ड होना चाहिए खेलने के लिए अपनी ज़िंदगी में, तो ये आपके एक सेफ जोन में रखेगा आपको, और बिल्कुल होपलेस नहीं छोड़ेगा। ये स्किल आपको ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि डिग्री इतना मायने नहीं रखती गाइस। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे ना, इफ़ यू हैव ए स्किल, और आज गवर्नमेंट ने भी कर दिया है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आर्ट कॉमर्स साइंस की से भी हो, बट आप अगर किसी कंपनी में आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपके पास वो स्किल है तो आपको जॉब मिलेगी, जैसे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो। और एक और बात और, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और जो भी आपकी हैबिट है चेंज करना चाहते हैं, तो जल्दी मैं एक सीरीज प्लान कर रहा हूँ गाइज, जो कि आपकी लाइफ रियली बदलेगा। अगर आप उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करेंगे तो आई कैन गारंटी गाइज आपकी लाइफ बिल्कुल बदलेगी। तो अभी थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, बट यस, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना, और ताकि आगे आने वाली वीडियो मिस ना हो तो बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यस, जो मैंने बोला है स्किल पर ध्यान दीजिए गाइज, मार्केट रिसर्च कीजिए, एंड तो हो सकता है आपको किसी स्किल में मज़ा आता हो करने में और उसकी डिमांड कम हो, तो ऐसी स्किल को मत चूज़ कीजिएगा। मज़ा भी आ रहा है और डिमांड भी ठीक ठाक है। देखो स्किल बहुत सारी हैं, वैरायटी बहुत सारी है, बस आपको चूज़ करना है आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट पता करने के लिए आप ट्राई कीजिए ना, 2-4 दिन 1 हफ्ता ट्राई कीजिए, अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो छोड़िए। जिसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा वो स्किल मत गेन कीजिएगा, वरना जिंदगी भर फ्रस्ट्रेशन रहेगी आपको। स्ट्रेस लाइफ नहीं जीनी है, एंजॉय के साथ जीना है गाइस। लाइफ एक बार मिली है, उसे ऐसी वेस्ट नहीं करना सरकारी नौकरी की तैयारी में। सरकारी नौकरी तैयारी करो 2 साल 3 साल, ये नहीं कि आप पूरी ज़िंदगी लगा दें उसमें, नहीं, साथ साथ अगर आप स्किल गेन करेंगे तो आप एक फ्यूचर सिक्योर करेंगे आप। सो वक्त के अकॉर्डिंग चलिए, ना कि वक्त से आगे ना वक्त से पीछे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।